हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पार्ट टू ऑफ आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि हम पार्ट वन हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन को ज़रूर देखें, तो आपको पार्ट टू और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ा था, पार्ट टू में उसके आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़नी है। तो आप सभी को पता होगा मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड गैस जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा सा इसमें सॉलिड लिक्विड गैस में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर, कि सॉलिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड में कौन सी होती हैं, गैस में कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, जिससे कि सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हम बात करें एक प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख रखी है वो है डेफिनेट शेप। तो सॉलिड, हम किसी भी सॉलिड की बात करें तो उस सॉलिड का शेप जो होता है डेफिनेट होता है। तो आप इसके लिए आपने आपके सामने जैसे आपके घर पर टीवी लगा हुआ है, सॉलिड है, या फिर आप घर में जो कपड़े पहनते हैं वो भी सॉलिड हैं, या फिर वुड, पेन, मार्बल, चौक, डस्टर, ये सारे क्या हैं, सॉलिड के एग्जांपल हैं। और आपको ये बात पता होगी कि ये शेप अपने आप नहीं बदलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में रखा हुआ सॉलिड सामान अचानक उसने अपना शेप बदल लिया। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सॉलिड जो भी होते हैं उनका शेप हमेशा क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है, वो अपने आप शेप नहीं चेंज करेंगे। उसको शेप चेंज करने के लिए हम अपने तरफ से ट्राई करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, तब जाके सॉलिड अपना शेप चेंज करते हैं। तो डेफिनेट शेप की बात करते, सॉलिड का जो शेप जो होता है डेफिनेट होता है। लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड आपको पता ही है, जैसे वाटर, अल्कोहल, ऑयल, ये सारे क्या हैं, लिक्विड के एग्जांपल हैं। तो ये जो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड का जो शेप जो है, आपको पता है लिक्विड में कोई शेप नहीं होता। आप नहीं बोल सकते यार लिक्विड गोल है, लिक्विड सर्कुलर है, लिक्विड स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लिक्विड का कोई शेप ही नहीं होता है। तो लिक्विड के जब हम शेप की बात करें तो लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो हम मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ। गैस की बात करें तो गैस का तो आप कभी नहीं बता सकते कि अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शेप कैसा है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी गैस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन हुई, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसें होती हैं, तो इन सारी गैस का कोई शेप नहीं होता। जैसे एयर भी एक गैस है, उसका भी कोई शेप नहीं है। तो इनडेफिनेट शेप होता है इन लिक्विड और गैस का। तो डेफिनेट शेप किस में होता है? सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड गैस में नहीं होता है। अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। सॉलिड को अगर हम देखेंगे, जैसे सपोज मेरे सामने मार्बल है, मार्कर है, तो मार्कर की जो बाउंड्रीज हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी कि इसकी देखो, तो ये बाउंड्री है जो उसकी लाइनिंग, नीचे इसकी बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है। बोर्ड जो सामने रखा है, इस बोर्ड की भी कोई ना कोई बाउंड्री है, आपको पता है बोर्ड की भी बाउंड्रीज हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, उसकी भी बाउंड्रीज हैं। तो उनकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं? डिस्टिंक्ट होती हैं, जिसको आप इजीली देख सकते हो, तो वो बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। तो सॉलिड की, किसी भी सॉलिड की बात करें तो उसकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं? डिस्टिंक्ट होती हैं। पर हम जब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि लिक्विड यहीं तक है, लिक्विड तो ज़मीन पर गिरने के बाद वो किसी भी कहाँ तक भी फैल सकता है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती है। और गैस की हम बात करें तो गैस की भी कोई बाउंड्री नहीं है, किसी ने नहीं देखी गैस की क्या बाउंड्री होगी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम यानी होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना, कोई चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम को हम जनरली जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? लीटर में करते हैं। जो आप सुबह मिल्कमैन से मिल्क लेते हो तो उससे बोलते हो एक लीटर दे दे, दो लीटर दे दे, दो लीटर क्या होगा? वॉल्यूम है। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। सॉलिड ऐसा नहीं होगा कि जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमेशा उतनी ही करेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, क्योंकि जैसे आपने सपोज पेट्रोल एक लीटर आपने अपनी गाड़ी में डलवाया, तो पेट्रोल एक लीटर उसका क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। उसका वॉल्यूम अपने आप चेंज नहीं होगा। उसको अगर आप पैक करके रखते हैं, वो अपने आप अगर वो इवेपोरेट नहीं होता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा एक लीटर, आप कितने भी कंटेनर में कर लीजिए। या फिर आप बात करते हैं किसकी? वाटर की। तो वाटर का भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मैंने अगर मान लो सुबह आपकी टंकी में 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 1000 लीटर क्या हो गया? उस पानी का वॉल्यूम हो गया। वो अपने आप चेंज नहीं होगा, वो तभी होगा जब उस पानी को आप यूज़ करोगे। तो वॉल्यूम, किसी भी लिक्विड की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। आप नहीं बोल सकते हो गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। गैस
अब जैसे आपने जिस कंटेनर में गैस को स्टोर किया वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, जैसे कि आप एक सिलेंडर के अंदर 2 kg गैस भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, पर जब नया सिलेंडर होता है तो उसमें 15 kg गैस होती है, तो गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं है, वो हमारे ऊपर होता है, हम जितनी मर्जी उतनी स्पेस में उनको फिल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है अगर बात करें गैस के लिए, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी होती है, मैंने लिखी है रिजिडिटी। रिजिडिटी की हम बात करें तो रिजिडिटी जो होती है, रिजिडिटी का मतलब हुआ किसी चीज़ में कितनी कठोरता है। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में होती है रिजिडिटी, आपको पता है कि सॉलिड को ईजिली तोड़ नहीं पाते हम, ईजिली फोर्स लगाएंगे तो वो कॉम्प्रेस नहीं, मतलब वो दबेंगे नहीं, अपना शेप ईजिली चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है, रिजिडिटी बताती है। तो सॉलिड के अंदर ये रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी यानी कठोरता हिंदी में कहें। लिक्विड में कोई रिजिडिटी नहीं है, लिक्विड को कैसे भी फोर्स लगा सकते हो, लिक्विड तो रिजिडिटी होती नहीं है, और इवन गैस में भी कोई रिजिडिटी नहीं होती है। तो रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड में क्या है, रिजिडिटी होती है, लिक्विड और गैस में रिजिडिटी नहीं होती है। अब सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैटर की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पर मैंने एक बात और बताई थी कि सॉलिड के केस में जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड के केस में वो स्पेस ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस के केस में वो जो स्पेस होता है पार्टिकल का वो और भी ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में अगर स्पेस पार्टिकल के बीच में कम है बहुत, तो हम सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, हम पार्टिकल को और पास नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑलरेडी बहुत कम है। तो सॉलिड को कॉम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जब हम कॉम्प्रेस करते हैं तो निग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर कॉम्प्रेस होते हैं, और आपको कई बार आंखों से भी वो कॉम्प्रेसिबिलिटी, कितना कॉम्प्रेस हुई चीज़ वो नज़र नहीं आएगी। तो सॉलिड के बारे में अगर हम कॉम्प्रेसनेस के बारे में लिखें तो हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी में हम क्रॉस कर देते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़े पार्टिकल दूर दूर हैं, तो लिक्विड को भी कॉम्प्रेस करना वैसे आप फिजिकली नहीं कर पाएंगे, मशीन्स की मदद से अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस करना पॉसिबल भी हुआ तो बहुत कम कॉम्प्रेस कर पाते हैं, तो इसकी भी कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। मैं लो लिख दे रहा हूँ, यहाँ निग्लिजिबल बोलेंगे, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। यहाँ मैं निग्लिजिबल वर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक। गैस के केस में बात करें तो यहाँ कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि गैस आपने देखा होगा सिलेंडर में गैस को फिल किया जाता है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारी गैस को हमने एक छोटे सिलेंडर में फिल कर दिया, जैसे आपका परफ्यूम डियो होता है उसमें भी गैस भरी होती है, तो उसमें क्या होती है, गैस को फिल कर देते हैं। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो हम पार्टिकल्स को पास ला पाते हैं इजीली, उनको कॉम्प्रेस किया जा सकता है, तो इनमें क्या होती है, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है क्या। तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी थोड़ी सी आपके लिए ड्रॉ की है, जिसमें मैंने क्या किया, एक बीकर टाइप का लिया है, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब रख दिए, और आपको पता है आइस क्यूब का स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है। अब मैंने थर्मामीटर डाला इस आइस क्यूब के अंदर और टेम्परेचर मेज़र किया, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर -5 to -10 तक आता है, मैंने -10 लिखा है, तो लगभग -10 टेम्परेचर आइस क्यूब का थर्मामीटर ने रीड किया। अब क्या किया, मैंने नीचे एक बर्नर लगा दिया, बंसन बर्नर, उसके बाद मैंने क्या किया, हीट किया इसको, और जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो आपको पता ही है कि हीट करेंगे तो आइस मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट हुई तो उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया। जब टेम्परेचर 0 degree centigrade पे आया तो आइस क्या हो गई थी, वाटर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 degree centigrade पे क्या आ गया, वाटर आ गया यहाँ पर। फिर हम उसको तब भी नहीं माने, हम तो और हीट कर रहे हैं, और हम और हीट करते गए, और हीट करते करते टेम्परेचर कहाँ पहुँचा हमारा, लगभग 100 degree centigrade पे। यहाँ पर क्या हुआ, वेपर्स निकलने लग गई। तो यहाँ पर हमारे को तीनों स्टेट नज़र आ गई,
सॉलिड स्टेट भी नजर आई यानी आइस, लिक्विड स्टेट नजर आई वाटर, और गैसेस स्टेट नजर आई वाटर वेपर। तो यहाँ पर हमने ऐसा कैसे कर पाए, हमने टेम्परेचर दिया तो हमने क्या किया, मैटर की स्टेट भी हमने चेंज कर दी। तो मैटर की स्टेट को टेम्परेचर देने पर हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए क्या होता है कि आपको पता ही है कोई भी मैटर जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है। मैंने ये भी बताया था कि पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, पर जैसे ही हम हीट देते हैं उसको, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल की मोशन की स्पीड इंक्रीज होती है, और पार्टिकल की मोशन की स्पीड इंक्रीज होगी तो पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो आपस में टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने से क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, और पार्टिकल्स की स्टेट में मैटर की स्टेट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। मैटर सॉलिड से लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड से गैस में आएगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आएगा। एक टर्म यूज करते हैं, ये टर्म लिखी है कि आइस जो है वो सॉलिड है। अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं और उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वाटर में कन्वर्ट करने के बाद जो स्टेट आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते थे मेल्टिंग, पर अब यहाँ पर एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन। तो यहाँ पर हमने ये टर्म यूज किया है, आइस से वाटर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो अब इसमें हमारे को कुछ और, ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पर इस चैप्टर में, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी में से दो तीन पॉइंट हैं, डेफिनेशन निकलेंगी, वो आपको समझनी है। तो एक मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ जो मैंने थर्मामीटर में ऑब्जर्व की, ये आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब ऑब्जर्व कर पाओगे। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने जैसे ही इसको हीट दी, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, मैंने क्या किया, जैसे ही इसको हीट दी, यहां पर क्या थी, आइस थी इस पॉइंट पर, मैंने आइस को जैसे ही हीट दी तो देखो ये टेम्परेचर बढ़ा, मैंने इसको ऐसे ग्राफ से शो कर रहा हूं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद अचानक थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नजर नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक फिर टेम्परेचर बढ़ने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद अचानक फिर टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं बढ़ रहा था, फिर से ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, और फिर अचानक फिर बढ़ने लग गया। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके दिमाग में, और ये कुछ ऐसा क्यों हो रहा है अजीब सा, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने आइस को हीट किया, हमने आइस को क्या दिया, हमने ये हीट दिया, तो आइस के क्या हुआ, आइस के वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई पार्टिकल की, आइस मेल्ट होती गई, आइस काई में कन्वर्ट होती गई वाटर में। पर क्या हुआ, जब टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अचानक क्या हुआ, थर्मामीटर में जो टेम्परेचर बढ़ने की जो स्पीड थी वो एकदम रुक गई, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पार्टिकल्स जो हम हीट दे रहे थे वो हीट यूज़ होने लग गई पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको घटाने में, मतलब उसको कम करने में, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लग गए, और वहाँ पर जो हीट है वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ नहीं हो रही थी, वहाँ पर हीट कायमे यूज़ हो रही थी पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, मतलब जिस फोर्स से पार्टिकल जुड़े होते हैं उस फोर्स को घटाने में वो एनर्जी यूज़ होने लग गई। तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचानक टेम्परेचर राइज आपको नज़र नहीं आया कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर नज़र नहीं आया, तो इस पॉइंट को मैं T1 लिखूंगा, T2 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है एक्चुअल में काइमे किस लिए यूज़ हो रही थी, सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर तो केवल हीट देते जा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में वो हीट यूज़ होने लग गई। तो थर्मामीटर में वो हीट नहीं इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी राइज नज़र नहीं आया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम T1 और T2। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही वाटर सारा, आइस सारी वाटर में कन्वर्ट हुई, उसके बाद फिर अचानक फिर टेम्परेचर बढ़ने लग गया, और ऐसा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मामीटर में बराबर रीडिंग बढ़ती रही। और जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा
फिर वही प्रॉब्लम आई, थर्मामीटर में रीडिंग इंक्रीज नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि फिर से हीट यूज होने लग गई, क्योंकि अब वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था, अब हीट यूज होने लग गई किसके लिए? उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको और कमजोर करने के लिए और पार्टिकल दूर जाने के लिए हीट यूज होने लग गई। तो इसलिए थर्मामीटर में फिर टेम्परेचर राइज नजर नहीं आया। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा T3 और T4 पॉइंट। होपफुली आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। तो इसी T1 और T2 पॉइंट के ऊपर कोई डेफिनेशन बनती है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, T1 T2 पॉइंट पर जो हमने हीट दी वो यूटिलाइज नहीं हुई, वो थर्मामीटर में नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो छुप गई, वो हीट यूटिलाइज हुई पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हीट कैसी थी? हिडन थी। और यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई, यहाँ पर हीट हिडन थी। जब हीट हिडन थी तो हमने हिडन हीट के लिए एक टर्म यूज किया है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? हिडन हीट। और ये हीट किस लिए यूज हुई है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने अभी बताया था क्या होता है, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पर जो हिडन हीट है वो किसके लिए यूटिलाइज हुई? फ्यूजन के लिए यूटिलाइज हुई, मीन सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं, मैं भी समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब कितनी एनर्जी लग रही है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दैट इज हिडन हीट। वो हीट कितनी है? वो हीट कहलाती है उस लिक्विड की, क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। अब इसमें मैंने दो टर्म और जोड़ी है, एक मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, 0 degree centigrade क्या है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट था, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट वर्ड जोड़ा है। एंड दूसरा वर्ड जोड़ा है मैंने एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने के साथ या डिक्रीज होने के साथ ये हीट जो है वो अलग अलग लगती है, हीट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एट एटमोस्फेरिक प्रेशर लिया है। एक कोई फिक्स एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम ये बात कर रहे हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा, मैं नहीं पता है तो मैं एक सेकंड में आप एक मिनट मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। कुछ नहीं होता है, सिंपल सा। एयर जो है, एयर का भी मास होता है काफ़ी, और हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत ज़्यादा एयर है, उसका मास जो है वो इन्फाइनाइट है। मैं बहुत ज़्यादा करोड़ों टन लाखों टन में बात करेंगे वहाँ पर, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना है कितना मास होगा, पर उस मास की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं। वेपराइजेशन आपको पता ही है कि लिक्विड से जब गैस में कन्वर्शन होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन में जो हीट यूज़ हो रही है, दैट इज़ हिडन हीट। मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूटिलाइज हुई, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट यूज होती है, और वो किस पे? पहले मेल्टिंग पॉइंट पे हुई थी, पर वेपराइजेशन कहाँ होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। इसलिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट एंड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। होपफुली आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक और फिनोमेना बताते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि अभी तक जो आप नॉर्मली हर एक मैटर के साथ क्या होता है, किसी मैटर को हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट का ट्रांजिशन होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। पर कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो कि बीच की एक स्टेट को खाई जाते हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस। तो सॉलिड से कोई अगर मैटर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने के बाद, यानी लिक्विड आया ही नहीं, तो ऐसे मैटर को हम कहते हैं, ऐसे मैटर को हम कहेंगे सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। तो और इस फिनोमेना को हम कहेंगे सब्लिमेशन, यानी द फिनोमेना ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। इसी को हम कहेंगे क्या? आपका सब्लिमेशन।
तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी लिखी है जिसमें मैंने अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल सब्सटेंस है उसको लिया मैंने, और अमोनियम क्लोराइड को मैंने हीटअप किया। हीटअप करने के बाद यहाँ पर मैं एक कॉटन प्लग लगा दूंगा जिससे इसकी वेपर नहीं निकल पाए। जैसे हीट किया तो यहाँ लिक्विड नज़र नहीं आया, पर क्या हुआ, ये सारा जो वेपर्स निकली वो सारी वेपर कहाँ, यहाँ पर डिपॉजिट होने लग गई। यहाँ पर क्यों डिपॉजिट हो रही थी, ऊपर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा था और यहाँ इस साइड में और इस साइड में टेम्परेचर कम था, तो वेपर यहाँ पर डिपॉजिट होने लग गई, तो क्योंकि लो टेम्परेचर होने की वजह से। तो ये एक्टिविटी में क्या हुआ, एक्चुअल में लिक्विड से डाई नहीं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस कन्वर्ट हुआ, तो ये सब्लिमेशन की एक एक्टिविटी थी। कुछ एग्जाम्पल जो आपके रियल लाइफ में आप यूज़ करते हैं, तो उसमें कैम्फर कपूर जो आप यूज़ करते हैं घरों में, मम्मी पूजा वगैरह में यूज़ करती हैं। इसके अलावा कपड़ों के अंदर एक गोलियां डाली जाती हैं वाइट कलर की, दैट इज़ कॉल्ड नेप्थलिन बॉल, वो सारे क्या हैं, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा कि तीन स्टेट हैं अपनी, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जब हम सॉलिड स्टेट, कोई भी मैटर जो सॉलिड स्टेट में है उसको जब हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना यानी मेल्टिंग। अगर उसी लिक्विड चीज़ को हम सॉलिड कर दें, जैसे कोई हमने जैसे शुगर का वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, पर उसको हम उसको ड्राई अप करें, उसको सुखा दें, हीट अप करें, तो फिर से सॉलिड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड टू सॉलिड होना क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। फिर लिक्विड टू गैस की तरफ अगर हम जाते हैं, किसी लिक्विड चीज़ को हम हीट अप करके उसकी उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक एग्जांपल जैसे वाटर को हम कन्वर्ट करके वाटर वेपर कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन। पर हम किसी चीज़ को गैस से लिक्विड में ले जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। यानी कोई भी गैस को, जैसे आपने देख गैस स्टीम जो होती है उसको ठंडा कूल डाउन कर दो तो वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जाती है वाटर स्टीम, तो वो क्या है, कंडेंसेशन। जब हम किसी चीज़ को सॉलिड टू गैस करते हैं तो सब्लिमेशन, या गैस टू सॉलिड करेंगे तो भी हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो आई होप ये बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब नया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेपराइजेशन, कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है बॉइलिंग वाटर पर क्या होता है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक तरह से इवेपोरेशन की करने वाले हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सॉरी टॉपिक का नाम मुझे वेपराइजेशन की जगह इवेपोरेशन करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको इवेपोरेशन कर देता हूँ, तो ये इवेपोरेशन यानी कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा इवेपोरेशन वेपराइजेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन जो होता है जनरली रूम टेम्परेचर पर होता है, इसको हम अलग से करने के लिए कोई अलग से फोर्स, अलग से कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं देते हैं। पर जब हम बात करते हैं वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन को हम किसी भी लिक्विड को हीटअप करेंगे तो वेपराइज होगा, तो वो वेपराइजेशन हो गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें, जब हम किसी चीज़, जैसे हमने मान लो एक पानी लिया और ज़मीन पर फैला दिया, तो आपने देखा होगा गर्मियों में जब पानी फैल जाता है ज़मीन पे, तो थोड़ी देर बाद वो ज़मीन बिल्कुल ठंडी हो जाती है, अच्छा आपको फील होता है, जैसे मार्बल पे फैल जाता है मार्बल एकदम कूल हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में आपने जैसे ही पानी उसके ऊपर फैलाया तो पानी क्या हो गया, वेपराइज हो गया, यानी इवेपोरेट हो गया। दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं करने में, थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पानी इवेपोरेट हो गया, जो ये इवेपोरेशन हुआ है ये क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल थे वाटर के उसने क्या की, सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की, सरफेस से उसने जब हीट एब्जॉर्ब की तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और वो लिक्विड, उसके बॉन्ड आपस में ब्रेक हो गए और वो इवेपोरेट हो गया, मींस वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये किस वजह से हुआ, तो यहाँ इससे क्या हुआ, जब वो हीट उसने कहाँ की यूटिलाइज की है, सरफेस की, मार्बल की, तो मार्बल कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी क्योंकि उसकी हीट कम हो गई, तो इस वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, हीट फ्रॉम, मैंने लिखा है हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस। अरे यहाँ पर गैसेस का स्पेलिंग रॉन्ग है और लगता है एक दो, चलो इसको करेक्ट करते हैं बेटा, करेक्ट कर लेना, शायद पीछे भी गलत हो गया है, आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो उसको करेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर हुआ है,
ये स्पेलिंग होगा एक जगह और, अरे तो ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, हीट फ्रॉम एनवायरमेंट जो है वो यूज हो रही है लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। इसके कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ, अभी जो समर का समय है, समर के समय में बहुत ज़्यादा आपको स्वेट आता है। अब स्वेट आने के बाद, स्वेट आता है तो आपको जनरली आपको कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे पहनने में, आप कहोगे कॉटन के लगते हैं अच्छे, क्योंकि कॉटन में आपको बड़ा कंफर्ट फील होता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वो स्वेट धीरे धीरे आपके बॉडी की हीट को लेकर इवोपरेट होगा, तो आपको कैसा फील होगा, आपकी बॉडी की हीट कम, हीट बाहर बाहर निकलेगी तो आपको कूल फील होगा, तो आपको कूल फीलिंग आती है। इसलिए समर में हम हमेशा कॉटन क्लॉथ वेयर करते हैं। अगर हमने टेरी कॉट वगैरह इस तरह के कपड़े पहने तो क्या होगा, उसमें वाटर वो होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, तो इवेपोरेशन वाला फिनोमेना नहीं होगा और आपको बड़ा अनकंफर्ट फील होगा, आपको बड़ा चिप 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 सा लगेगा। इसलिए हम कॉटन क्लॉथ करते हैं, नहाते हैं तो हमारा बड़ा कूल फील होता है। वो भी किस वजह से हो रहा है, हम अपने बॉडी के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी क्या करेगा, हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करेगा टू इवेपोरेट, और हमारे को कैसा फील होता है, कूल फील होता है नहाते वक्त। वाटर ड्रॉपलेट्स, आपने एक जस्ट आप फ्रीज से अगर कोई बॉटल बाहर निकालते हो, उस बॉटल को आप थोड़ी समय के लिए रख दो बाहर, तो उसके चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठे हो जाते हैं, उसके सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट हो जाते हैं। आप घर पे कभी भी ट्राई कर सकते हो, पानी का ग्लास लीजिए, उसमें चिल्ड वाटर डालिए और थोड़े समय बाद देखिए तो उस ग्लास के चारों ओर क्या होंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर, जो एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो उसकी सरफेस के ऊपर आके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमेशा क्या होती हैं, वेपर्स होती हैं, वो वेपर्स आके जो उसकी सरफेस है वो बहुत कूल है, तो कूल होने की वजह से क्या होगी, वो वेपर्स कूल डाउन हो जाएंगी उसकी सरफेस के आसपास, और वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं सरफेस के आसपास आ जाती हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, कहीं जीके में कोई आपसे वैसे ही पूछ लेता है, तो आप उसको बता सकते हैं वो इवेपोरेशन की वजह से होता है, एक तरीके से रिवर्स इवेपोरेशन कहेंगे अपने यहाँ पर इस केस में। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। जैसे हम किसी भी चीज, जैसे हमारे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों स्टेट्स के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जैसे अगर मैंने बात करूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटी सी मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेसल है, वेसल के अंदर ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा एक पिस्टन है, तो इसके अंदर भरी हुई है गैस। मैंने वैसे ही ड्रॉ किया है, देखो पॉइंट, देखो मैंने ये छोटे छोटे पार्टिकल बनाए, मैंने बताने समझने आपको समझने के लिए ये क्या है, गैसेस पार्टिकल है। पर जैसे ही आप इस पिस्टन ब्लॉक को नीचे की तरफ दबाएंगे तो उससे क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास आते जाएंगे, फिर और ज़्यादा दबाएंगे तो गैसेस पार्टिकल कैसे और पास आ जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपके सिलेंडर वगैरह में होता है, जहाँ पर गैसेस को बहुत हाई प्रेशर के साथ फिल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गैस लीक होती है तो बहुत तेज़ी से लीक होती है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ उसको फिल किया हुआ है। ज़्यादातर जो भी सिलेंडर्स गैस के आते हैं, बहुत और भी कई कई तरह की गैस होती हैं, रेफ्रिजरेंट होते हैं, उस सब में क्या होता है, हाई प्रेशर गैस फिल होती है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में भी इवन हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए खास बात आपको नज़र आ रही होगी, ये पार्टिकल्स जो हैं पास पास आ रहे हैं। जब ये पार्टिकल पास पास आएंगे तो गैसेस में आपको पता है कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में पास पास होते हैं, और सॉलिड में और पास होते हैं। पर जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो पार्टिकल इतने पास आ जाएंगे जितने लिक्विड में पास होते हैं, तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि आपने, जैसे आप अपने घर का जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें गैस होती है, पर उसको आप हिलाते हैं तो उसमें आपको लिक्विड जैसा लगता होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर के साथ गैस फिल की हुई है, इसलिए वो गैस काय में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो सीएनजी एलपीजी जो होता है हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर के साथ फिल करते हैं, तो वो कैसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, चेंज इन प्रेशर से हम गैसेस की स्टेट तक चेंज कर पा रहे हैं हाई प्रेशर अप्लाई करके।
सॉलिड लिक्विड में ये इतना हाई प्रेशर अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा स्कोप होता ही नहीं है पास आने का, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो यहाँ से हमारे को कुछ बातें क्लियर हुई कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी स्टेट का, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है पार्टिकल्स की, और प्रेशर से क्या हो रहा है, अगर हम प्रेशर किसी चीज का इंक्रीज करते हैं किस मैटर में, तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होगा वो कम होगा, यानी वो काय पे अफेक्ट पड़ेगा, पार्टिकल स्पेस। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस कम होगा। तो ये जो है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, वो डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।